स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th की, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे पॉलिटिकल की, तो चैप्टर हमारा 5 है। ठीक है, चैप्टर 5। और ये जो चैप्टर 5 हमारा है, समकालीन दक्षिण एशिया, इसको हम हिंदी में डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में। ये जो हमारा वीडियो है, ये बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, झारखंड बोर्ड, CBSE बोर्ड, UK बोर्ड यानी उत्तराखंड बोर्ड एंड अदर बोर्ड, जहाँ पर भी NCERT चलती है, NCERT की बुक चलती है, वहाँ पर ये वीडियो काम आने वाला है। ठीक है, तो कोई CBSE बोर्ड वाला बच्चा ये ना सोचे कि ये बिहार और झारखंड के लिए है, ये सभी के लिए है। बिहार झारखंड हमने थंबनेल में इसलिए लगाया है क्योंकि बिहार और झारखंड के लिए हम अलग से एक और MCQ क्वेश्चन का पार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषता। मैं आपको चैप्टर शुरू करने से पहले दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषता के बारे में बता देता हूँ। मान लीजिए ये आपके सामने भारत का नक्शा है। ठीक है, उतना अच्छा तो नहीं बना पाऊंगा मैं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भारत का मैप यहाँ पे बना पाऊँ। तो ये देखो, भारत के मैप को मैंने बना दिया। अब यहाँ पे दक्षिण एशिया में मेनली ये पार्ट आ जाता है। तो अगर हम बात करें ऊपर की, उत्तर की, तो ऊपर है हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखला, आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। नीचे की बात करेंगे तो दक्षिण की बात करेंगे तो यहाँ पे है हिंद महासागर। अगर हम पूर्व की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बंगाल की खाड़ी, और अगर हम पश्चिम की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अरब सागर। तो ये है हमारी कुछ दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति। तो अब बात कर लेते हैं कि दक्षिण एशिया में कितने देश शामिल है। तो आपकी बुक में दे रखा होगा NCERT में कि इसमें 7 देश शामिल है, लेकिन ठीक है 7, लेकिन एक देश बाद में जुड़ा था, तो इस तरीके से इसमें 8 देश हो गए थे। भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इसमें बाद में जुड़ा है। ठीक है, तो 7 पहले थे, अब 8 हो चुके हैं। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं, यहाँ पे कुछ मुख्य समस्याएं हैं। वो मुख्य समस्याएं आपके सामने कौन सी है, आपको ये पूछ सकते हैं आपसे पेपर में। तो आप एक बार ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे आपके सामने है, संघर्षों वाला क्षेत्र है ये, यहाँ पे सीमा विवाद रहता है भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत चीन के बीच में, चीन और भारत के, इस तरीके से सीमा विवाद है। नदी जल बंटवारे को लेके भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश, इस तरीके से इनके बीच में नदी जल बंटवारे को लेकर भी विवाद है। विद्रोह संघर्ष चलता रहता है, जैसे कि मान लो श्रीलंका में इस तरीके से देखने को मिलता है, जातीय संघर्ष हमें श्रीलंका में देखने को मिलता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये जो दक्षिण एशिया है, ये एक संवेदनशील इलाका है। संवेदनशील यानी सेंसिटिव इलाका है, यहाँ पे कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, विवाद लड़ाई झगड़ा बहुत चलता है यहाँ पे देशों के बीच में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये जो दक्षिण एशिया है, यहाँ पे जो प्रमुख देश हैं, इन देशों में कैसी शासन व्यवस्था है, किस तरीके की शासन व्यवस्था है। आपको देखो हर लाइन में एक क्वेश्चन बन रहा है, पेपर में यहीं से क्वेश्चन आते हैं, तो सारी लाइनों को आप लिख सकते हैं। अब सबसे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ पे दो तरह का शासन है, कभी तो यहाँ पे लोकतंत्र रहता था, कभी यहाँ पे सैनिक शासन रहता था। ठीक है, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में तो लोकतंत्र है, पर यहाँ पे दोनों तरह का शासन रहा है। अगर मैं बात करूँ भारत और श्रीलंका की, तो यहाँ पे तो लोकतंत्र है, भारत 1947 में आजाद हुआ था, श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ था। जब से ये दोनों देश आजाद हुए हैं तब से यहाँ पे क्या है, सफलतापूर्वक लोकतंत्र कायम है। भूटान और नेपाल की बात करें तो यहाँ दोनों ही जगह राजाओं का शासन होता था, राजतंत्र होता था। ठीक है, तो इस तरीके से देखें। मालदीव की बात करें तो यहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, बाद में यहाँ पे भी लोकतंत्र के लिए काम चला है। तो ये हमारे कुछ मेन हो गए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, अक्सर यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला एक क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के देशों में 5 देशों में एक सर्वे कराया, उस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि आपको किस तरह का शासन पसंद है। तो आपको पता होगा सर्वे में लोगों ने क्या कहा, लोगों ने सबसे ज्यादा जो पसंद किया वो लोकतंत्र को पसंद किया, यानी कि दक्षिण एशिया के देशों में सबसे ज्यादा जो पसंद है लोगों को वो लोकतांत्रिक शासन पसंद है। एक क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर में पूछा जाने वाला, और इस साल भी आया हुआ था, और हर साल ये क्वेश्चन ज्यादातर पेपर में आ जाता है। क्वेश्चन ये है कि जो अपना ये हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान में लोकतंत्र जो है वो परमानेंट नहीं रह पाया, स्थायी नहीं हो पाया, कभी सेना का शासन हो जाता है, कभी लोकतंत्र हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्यों है ऐसा, क्यों यहाँ पे लोकतंत्र, जबकि हमारा पड़ोसी देश है, भारत की बात करें तो भारत में लोकतंत्र है, पर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र नहीं है, क्या कारण है इसके पीछे, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों की, यहाँ पे सेना का
धर्म गुरुओं का और भूस्वामी यानी जो ताकतवर जमीन के मालिक हैं, पैसे वाले लोग हैं, इनका बहुत ज्यादा दबदबा है, एक तो ये कारण है। फिर क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी रहती है। आपको पता है कैसा माहौल रहता है भारत पाकिस्तान के बीच में, इस तनातनी होने के कारण भी यहाँ पे क्या है, नहीं लोकतंत्र कायम हो पाता। फिर यहाँ पे जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार तो इतना है कि पूछो ही मत, इसलिए भी यहाँ पे लोकतंत्र नहीं हो पाता। फिर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिल पाता कि मान लो बाहर से जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने कोई समर्थन किया हो, इनको कोई समर्थन भी नहीं करता, तो एक कारण ये भी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे आपको 4-5 क्वेश्चन डिस्कस किए और सारे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगला टॉपिक हमारा बनेगा कि बांग्लादेश में लोकतंत्र कैसे लागू हुआ। सबसे पहले आपको ये भी समझना है कि बांग्लादेश बना कैसे। बांग्लादेश आज जो हम देखते हैं एक स्वतंत्र देश है, बट ये हमेशा एक स्वतंत्र देश नहीं था, बल्कि ये एक पाकिस्तान का ही हिस्सा था। इसकी पूरी कहानी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से देखें वीडियो को। आज जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं ना, ठीक है, आज हमारे लिए एक स्वतंत्र देश है जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, अगर हम देखें तो ये एक स्वतंत्र देश नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान का हिस्सा होता था जिसको हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। बंगाल और असम, जब हमारा भारत का बंटवारा हुआ तो बंगाल और असम के हिस्सों को विभाजित करके यानी बांटकर पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था। पश्चिमी पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे पश्चिमी पाकिस्तान अपना खूब दबदबा दिखाता था, बल्कि जबरन इन पे अपनी उर्दू भाषा थोपने की कोशिश कर रहा था। अब भाई जबरन इन पे उर्दू भाषा थोपी जा रही थी तो ये जो लोग थे नाराज रहते थे। यहाँ के लोगों ने इसका विरोध करा कि भाई हम अपनी संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इन्होंने क्या करा, सभी लोगों ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक जन आंदोलन कर दिया, यानी एक जन संघर्ष छेड़ दिया। संघर्ष के जो मेन नेता थे वो थे शेख मुजीबुर रहमान। आपको ये नाम याद रखना है, शॉर्ट में हम इसको शेख मुजीब बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं, शेख मुजीब बोलते हैं। और पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की मांग कर दी। इन्होंने क्या कह दिया कि पूर्वी क्षेत्र जो है उसके लिए स्वायत्तता की मांग कर दी। 1970 स्वायत्तता मतलब विशेष अधिकारों की, 1970 के चुनाव जो थे उसमें आवामी लीग ने चुनाव लड़ा और सारी सीटें जीत गई। आवामी लीग क्यों जीती, क्योंकि ये शेख मुजीब की पार्टी थी और शेख मुजीब जो थे बहुत फेमस थे। यहाँ पे शेख मुजीब को पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने गिरफ्तार करवा दिया। अब भाई ये गिरफ्तार हो चुके थे, उन्होंने ये जो इनकी बंगाली जनता की जो संस्कृति थी इसको कुचलने की कोशिश की। हजारों लोग जो थे वो पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए। और ऐसे में लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए क्या किया, लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग कर आ गए भारत में। भारत में उन्होंने पलायन कर दिया। अब ऐसे में हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या थी। अब भाई ऐसा माना जाता है 80 लाख शरणार्थी आए थे। अब इतने सारे लोगों को अपने देश में शरण देना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, तो ये बहुत ज्यादा समस्या थी। तो भारत की सरकार ने भी इसकी पूर्वी पाकिस्तान की आजादी की मांग कर दी और इसको वित्तीय और सैनिक सहायता दे दी। अब ऐसे में क्या हुआ था कि वो जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो नाराज हो गया, पश्चिमी पाकिस्तान जो था वो नाराज हो गया। तो 1971 में क्या हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया और भारत उसी युद्ध को जीत गया। भारत जब युद्ध को जीता, 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध को भारत जीता, तो उसके बाद भारत ने इसको एक स्वतंत्र देश बनवा दिया जिसका नाम बांग्लादेश है, ठीक है। ये बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। आप समझ गए कि पूर्वी पाकिस्तान पे पश्चिमी पाकिस्तान किस तरीके से दबदबा दिखाता था, कैसे उन्होंने उस पर हमला करवाया, कैसे वहां पे सेना ने उनके लोगों को मारा, फिर लोग जान बचाने के लिए भारत में आए, भारत ने क्या किया, उनका समर्थन कर दिया और इस तरीके से एक देश बनवा दिया जिसको हम बोलते हैं बांग्लादेश। अब भाई बांग्लादेश बन गया। अब बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाया और अपने आप को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी देश घोषित कर दिया। 1975 में क्या हुआ, शेख मुजीब जो थे इन्होंने संविधान में संशोधन कराया। ये वही शेख मुजीब हैं जो हीरो बन चुके थे। यहाँ पे इन्होंने एक संशोधन करा के क्या करा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपना ली और अपनी जो पार्टी थी आवामी लीग, इस पार्टी को कुछ नहीं किया, बाकी जितनी भी पार्टी थी सारी पार्टियों को खत्म कर दिया। तो ये क्या है, ये तानाशाही है, गलत चीज है ये तानाशाही। तानाशाही आपको दिख रही है, तो इन्होंने यही तानाशाही अपनाई, अपनी पार्टी को छोड़ दिया, बाकी सबको खत्म कर दिया। तो ऐसे में माहौल जो था वो बहुत बिगड़ गया, तनाव और संघर्ष वाला माहौल हो गया। यहाँ पे सेना ने बगावत कर दी, शेख मुजीब पर हमला हुआ, शेख मुजीब जो थे वो सेना के हाथों मारे गए। अब भाई उसके बाद फिर से सैनिक शासन आ गया, जियाउर रहमान जो थे इन्होंने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बना ली और कुछ टाइम के बाद इनकी भी हत्या कर दी गई। फिर जनरल एच एम इरशाद नाम के एक व्यक्ति आए, ठीक है, इन्होंने शासन चलाया, लेकिन स्टूडेंट्स वगैरह ने, जनता ने भी इनका विरोध कर दिया, फिर इन्होंने भी अपना पद छोड़ दिया।
1991 के बाद से यहाँ पे सफलतापूर्वक लोकतंत्र कायम है। आप देख रहे हो ना कि जैसे ही बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना, संविधान बना लिया, संविधान बनाने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, बहुत सारे लोगों की हत्या की गई, बहुत सारे नेताओं की। 1991 में जाके कहीं एक सफलतापूर्वक एक लोकतंत्र लोकतांत्रिक देश बनाया गया। तो ये तो थी बांग्लादेश की कंप्लीट कहानी। अब हम अपने एक और पड़ोसी देश की बात कर लेते हैं, नेपाल की। नेपाल हमारा एक पड़ोसी देश है। नेपाल की अगर हम बात करें तो ये जो नेपाल है ये एक अतीत से एक हिंदू देश था, ठीक है। कई सालों तक यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब है राजा का शासन। यहाँ की जो जनता थी वो राजा के शासन को हटाकर एक उत्तरदायी राजनीतिक शासन की मांग कर रही थी। राजा ने क्या किया, अपनी सेना की सहायता से, ठीक है, राजा ने सेना की सहायता से शासन पे पूरी तरीके से अपना नियंत्रण बना लिया। अब जब राजा ने अपना पूरा तरीके से यहाँ पे नियंत्रण बना लिया था तो जनता इससे नाराज थी। तो यहाँ पे लोकतंत्र के रास्ते बंद हो चुके थे क्योंकि राजा जो था वो लोकतंत्र को हड़प कर बैठा हुआ था आराम से। जनता ने क्या करा, लोकतंत्र के लिए आंदोलन चला दिया। जनता ने कहा भाई लोकतंत्र होना चाहिए अपने देश में। राजा ने 1990 में लोकतांत्रिक संविधान की मांग जो थी मान ली। राजा ने बोला ठीक है भाई, दबाव में आकर मानी थी राजा ने बात, बहुत ज्यादा दबाव बना तो राजा ने बोल दिया ठीक है बना लो। 1990 के दशक में नेपाल में माओवादी अपना प्रभाव जमा चुके थे, ठीक है। माओवादी एक विचारधारा थी जो हिंसक विचारधारा थी, तो राजा की सेना और माओवादियों के बीच में खूब लड़ाई झगड़ा हड़प झड़प चलती रहती थी। तो ये हुआ, तो ये जो संघर्ष था ये त्रिकोणीय संघर्ष था। एक तरफ तो थी राजा की सेना, दूसरी तरफ थे माओवादी लोग, ये लड़ रहे थे आपस में, तीसरी तरफ थे वो लोग जो लोकतंत्र चाहते थे देश में। इन तीनों की लड़ाई चल रही थी। 2002 में क्या हुआ, राजा ने संसद को भंग कर दिया। याद रखें इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया। जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र था वो भी वहां पे खत्म हो चुका है। 2006 में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, 7 पार्टी अलायंस यानी 7 पार्टियों ने गठबंधन बना लिया और पूरा का पूरा नेपाल, पूरे देश ने मिलकर एक बड़ा आंदोलन चला दिया। जब राजा पे बहुत ज्यादा दबाव बना तो राजा ने उनकी बात मान ली और संसद को दोबारा से बहाल कर दिया, ठीक है, दोबारा लागू कर दिया। तो ये जो आंदोलन था इसमें ये 7 पार्टी अलायंस यानी कि 7 पार्टियां जो थी यहाँ पे वो एक साथ आ गई थी। सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज के लिए काम करते थे वो एक साथ आ गए थे और माओवादी लोग, ये सारे मिलकर एक साथ आ गए थे आंदोलन में और राजा के खिलाफ हो चुके थे ये। तो ये था कुछ नेपाल की कहानी। अब बात कर लेते हैं हम श्रीलंका की कहानी। श्रीलंका आप देखते हो जब हमारा जो मैप है दक्षिण भारत की तरफ जब हम देखते हैं, छोटा सा देश हमें दिखता है, ये कौन सा है छोटा सा देश, श्रीलंका। तो श्रीलंका की कहानी पढ़ते हैं। श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ था। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था, इसको सिलोन के नाम से जाना जाता था। आजादी के बाद यहाँ पे क्या हुआ, लोकतंत्र कायम है सफलतापूर्वक। एक भारत और एक श्रीलंका, यही दो देश हैं दक्षिण एशिया में जहाँ पे सफलतापूर्वक लोकतंत्र कायम है। यहाँ के जो मूल निवासी है, सिंगली लोग जो है यहाँ के मूल निवासी, यानी श्रीलंका के जो असली रहने वाले लोग हैं जो सीधा श्रीलंका से बिलोंग करते हैं वो क्या है, यहाँ के मूल निवासी, उनको सिंगली कहा जाता है। समस्या है यहाँ पे जातीय संघर्ष की। जातीय संघर्ष की मतलब भारत से अपने इंडिया में जो तमिलनाडु है, ठीक है, भारत में जो तमिलनाडु है यहाँ से तमिल लोग चले गए श्रीलंका और जाके श्रीलंका में बस गए। श्रीलंका में एक जगह पे तमिल ज्यादा हो गए। अब ये तमिल कहते हैं कि उस एक जगह को इनके लिए अलग स्वतंत्र देश बना दिया जाए, ये उनकी मांग है। इसी को लेकर यहाँ पे विवाद है, यानी विवाद किसके बीच में, भारतीय तमिलों के बीच में और श्रीलंका के सिंगलियों के बीच में। श्रीलंका के जो सिंगली हैं वो कहते हैं कि भाई हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हमारे देश की जमीन का छोटा सा भी हिस्सा किसी बाहर के व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। लेकिन तमिल जो लोग हैं वो मानते नहीं इस बात को, ये विवाद वहाँ पे चलता है। तो भारत के तमिल लोग जो है वो श्रीलंका में जाके बसे हैं, उनका विरोध जो है वहाँ के मूल निवासी सिंगली करते हैं। सिंगली कहते हैं कि श्रीलंका केवल उनका है, तमिलों को कोई रियायत ना दो बल्कि तमिलों को यहाँ से भगा दो। 1983 में तमिलों ने एक संगठन है लिट्टे, ठीक है, लिट्टे का पूरा नाम पेपर में आया हुआ था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, इस तरीके से लिट्टे का पूरा नाम है। तो ये जो लिट्टे है ये तमिलों का संगठन है, उग्र संगठन है। इस संगठन की और श्रीलंका की सेना की आपस में लड़ाई चलती रहती है। तमिल एलम जो है वो तमिलों के लिए श्रीलंका में एक अलग देश की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे ये श्रीलंका है तो यहाँ पे एक अलग देश बना दो थोड़ा सी जगह में हमारे तमिल लोगों के लिए। तो ये चीज गलत है। अब मान लो भारत है,
भारत में बांग्लादेशी लोग आके बस गए। अगर वो बांग्लादेशी भारत से ये बोले कि हमारे लिए अलग देश बना दो भारत में बांग्लादेश के बांग्लादेशियों के लिए, तो क्या हम बना देंगे? हम नहीं बनाएंगे। इसी तरीके से श्रीलंका भी अपनी जगह सही है, तो यही विवाद वहां पे चलता रहता है। भारत की जो तमिल जनता है, हमारे जो भारत में तमिल जनता है ना, जनता वो क्या करती है, हमारी जो भारतीय सरकार है इस पे दबाव बनाती है और श्रीलंका में जो तमिल बसे हुए हैं उनके हितों की रक्षा की बात करती रहती है। तो हमारी सरकार जब दबाव में आई है तो हमारी सरकार ने समय समय पर श्रीलंका की सरकार से बातचीत करने का प्रयास किया। हमने क्या करा, 1987 में अपनी सेना भेज दी श्रीलंका में, जो कि शांति सेना थी। हमारा उद्देश्य लड़ाई झगड़ा नहीं था, हमारी सेना केवल समझौते और इसलिए गई थी, ठीक है। लेकिन लिट्टे के साथ संघर्ष में सेना फंस गई और 1989 में 2 साल बाद वापस बुला ली गई बिना लक्ष्य हासिल किए। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, आपको नोट डाउन करना है और इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। श्रीलंका की जनता ने भी इसे पसंद नहीं किया। श्रीलंका कह रही है कि भारत अपनी सेना क्यों भेज रही है हमारे देश में, भारत को अपनी सेना नहीं भेजना चाहिए क्योंकि ये तो हमारे अंदरूनी मामले में दखलंदाजी हो गई। इस बात पे श्रीलंका नाराज है। दो स्कैंडिनेवियाई देश हैं जिन्होंने भारत और श्रीलंका के बीच में समझौता करवाया, एक है नॉर्वे और एक है आइसलैंड। इन दोनों देशों ने मिलकर भारत और श्रीलंका के बीच में समझौता कराने का प्रयास किया। श्रीलंका में संघर्ष जरूर है, बट श्रीलंका की सबसे खास बात है वो आपको याद रखनी है, छोटा सा देश है बट आर्थिक वृद्धि बहुत अच्छी है इसकी। जनसंख्या पे पूरी तरीके से नियंत्रण करने वाला विकासशील देशों में सबसे पहले नंबर पे श्रीलंका, पूरी तरीके से अपनी जनसंख्या पे कंट्रोल कर लिया। अर्थव्यवस्था का सबसे पहले उदारीकरण करा, ठीक है। भारत ने तो 1991 में अपनाई थी ये चीजें, लेकिन ये पहले से ही उदारीकरण कर चुका था। तो ये तो था भारत और श्रीलंका की कहानी। अब बात कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान की कहानी, ये भी बहुत अच्छी कहानी है, इसे समझिए। भारत पाकिस्तान के बीच में समस्या क्या है कि दोनों के बीच में तनातनी रहती है। अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध हो चुके हैं। पहला युद्ध देखो 47-48 में हो गया था, दूसरा युद्ध हो गया था 65 में, पाकिस्तानी की तरफ से आक्रमण हुआ था, पहले में कश्मीर मुद्दा मेन था। तीसरा युद्ध जो हुआ था 1971 में बांग्लादेश संकट, पूरी कहानी बता चुका हूँ। चौथा 1999 में कारगिल युद्ध। 4 युद्ध हमने पाकिस्तान के साथ लड़े, भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध हो गए, लेकिन जो कश्मीर का मुद्दा है ये आज तक नहीं सुलझ पाया। कश्मीर का मुद्दा आज तक नहीं सुलझ पाया। भारत पाकिस्तान के बीच में तनातनी जो है वो अभी भी बनी रहती है, अभी भी बनी रहती है तनातनी। अब बात कर लेते हैं परमाणु परीक्षण की। भारत ने क्या किया, 1998 में अपना परमाणु परीक्षण किया था राजस्थान के पोखरण में। पोखरण जो है ये राजस्थान में एक जगह है। ये भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण था, पहला तो वो 1974 में भारत पहले ही कर चुका था। जैसे ही भारत ने परमाणु परीक्षण किया, पाकिस्तान ने तुरंत परमाणु परीक्षण कर दिया चगाई की पहाड़ी, जो बलूचिस्तान वगैरह उधर का एरिया है वहां पर। और जब ये दोनों परमाणु परीक्षण हो गए तो दक्षिण एशिया जो था, दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान दुनिया की नजरों में आ गए, क्योंकि दोनों के पास परमाणु हथियार थे। तनातनी पहले से रहती थी, दुनिया सोच रही थी कहीं इनके बीच में युद्ध ना हो जाए। अब भारत और पाकिस्तान की सरकार आरोप लगाती है एक दूसरे पे। क्या क्या आरोप लगाती है देखो, भारत कहता है कि हिंसा की राजनीति जारी रखी है, किसने, पाकिस्तान ने, ठीक है। भारत कहता है कि कश्मीर में आतंकवाद फैलाता है, कौन फैलाता है, पाकिस्तान। आतंकवादियों को पैसा देता है, हथियार देता है और ट्रेनिंग देता है, कौन देता है, पाकिस्तान। ऐसे आरोप भारत लगा रहा है। खालिस्तान समर्थकों को मदद करता है, खालिस्तान, जैसे कि पंजाब में एक जगह है खालिस्तान, यानी पंजाब में अलग देश की मांग चल रही थी, खालिस्तानी मांग बोलते हैं उसे हम। तो ये वाली जो खालिस्तानी समर्थन की बात जो है ये आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ पे पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो है वो कहता है कि भारत, पाकिस्तान देखो हम पे आरोप लगाता है, क्या आरोप लगाता है सुनिए इसे थोड़ा। पाकिस्तान कहता है कि भारत अपनी खुफिया एजेंसी के द्वारा सिंध और बलूचिस्तान में समस्या को भड़काता है, ऐसा कह रहा है पाकिस्तान। तो ये आपको ध्यान रखना था। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में एक संधि हुई थी, इस संधि को विश्व बैंक ने करवाया था। किसने करवाया था, विश्व बैंक ने, ठीक है। ये संधि आज तक कायम है, इसको बोलते हैं हम सिंधु नदी जल बंटवारा संधि। इसको क्या बोलते हैं, सिंधु नदी जल बंटवारा संधि। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना था। अब बात कर लेते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में सहमति और विवाद के मुद्दे। भारत और बांग्लादेश के बीच में सहमति और विवाद के मुद्दे। सहमति,
तो देखो भारत और बांग्लादेश के बीच में बात कर देते हैं। यस, नेपाल। ठीक है, तो यहां से हमारे देखो चार पांच टॉपिक हो गए। हमने पढ़ा भारत के पाकिस्तान के साथ संबंध, हमने पढ़े नेपाल के साथ संबंध, ओ सॉरी, पाकिस्तान वाला टॉपिक पढ़ लिया, नेपाल वाला पढ़ लिया, बांग्लादेश वाला पढ़ लिया है, श्रीलंका का पढ़ लिया है, ठीक है, मालदीव का पढ़ लिया है, मेन मेन टॉपिक पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन। रिलेशन पे एक क्वेश्चन आता है, पहले हम भारत और बांग्लादेश के रिलेशन पढ़ेंगे, फिर हम नेपाल से पढ़ेंगे और आगे आगे पढ़ते हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में तीन तरह के मेन मुद्दे कौन से हैं, आप ये देखो। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसपे सहमति है भारत और बांग्लादेश के बीच में, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसपे सहमति नहीं है। तो किन मुद्दों पे सहमति है पहले ये समझो। सबसे पहली सहमति है कि आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में। बांग्लादेश और भारत की पूरब चलो की नीति का हिस्सा है। पूरब चलो की नीति का मतलब है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से जो हमारा व्यापार है, यह हमारी पूरब की ओर चलो की नीति है। इसमें हमने बांग्लादेश को भी अपने साथ रखा है। आपदा प्रबंधन, पर्यावरण के मुद्दे, इन सब चीजों पे हम साथ हो गए हैं भारत और बांग्लादेश। असहमति के मुद्दे, लड़ाई वाले मुद्दे कौन से हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी है, इसके पानी में हिस्सेदारी को लेकर विवाद है। भारत में बहुत सारे अवैध अप्रवासी लोग बसे हुए हैं, यानी कि भारत में बांग्लादेशी लोग आके बस गए हैं। ठीक है, भारत इनका विरोध करता है पर बांग्लादेश इसको खंडन कर देता है। ये एक मुद्दा है झगड़े का। फिर भारत में जो कट्टर, ये जो इस्लामी जो जमात है या जो कट्टर हमले होते हैं भारत में, तो वो भी बांग्लादेश की तरफ से होते हैं, भारत इसका भी विरोध करता है। भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात ना करना, ठीक है, प्राकृतिक गैस का निर्यात करने के लिए बांग्लादेश जगह नहीं देता अपने वहां से, तो ये भी एक समस्या का मुद्दा हो जाता है। अब बात कर लेते हैं भारत और नेपाल के संबंध। नेपाल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, दोनों के संबंध मधुर हैं, ठीक है, दोनों के संबंध कैसे हैं, मधुर हैं। नेपाल एक ऐसा देश है जहां पे हम बिना वीजा पासपोर्ट के आराम से आ जाते हैं, आते जाते हैं, यानी बिना वीजा पासपोर्ट के आप नेपाल जा सकते हो, नेपाल वाले लोग भारत आ सकते हैं। ये हमारे भारत और नेपाल के बीच में एक संधि हुई है, एक समझौता हुआ है, उसके तहत हम चाहे तो नेपाल में काम कर सकते हैं, नेपाली हमारे यहाँ पे काम कर सकते हैं। व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, इन सब मामलों में भारत और नेपाल साथ है। भारत जो है नेपाल की बहुत सारी योजनाओं में मदद करता है, उसको पैसा देता है, ठीक है, लेकिन कुछ 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 विवाद भी हो जाते हैं। विवाद क्या है, अतीत में व्यापार को लेकर भारत और नेपाल के बीच में मनमुटाव हो गया था। नेपाल की दोस्ती चीन से बढ़ रही है, इससे भारत क्या करता है, गुस्सा करता है, यानी कि भारत को बुरा लगता है कि वो चीन से दोस्ती बढ़ा रहा है। तो आपको पता है चीन कैसा है। आगे है कि नेपाल सरकार जो है वो भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, यानी नेपाल से हमारे यहाँ पे आतंकवाद जैसी मुद्दे आ जाते हैं, नकली नोट, ठीक है, और इलीगल चीजें आती है, इसका भारत सरकार विरोध करती है। नेपाल सोचता है कि भारत जो है उनके अंदरूनी मामले में दखलअंदाजी कर रहे हैं, या फिर उसके नदी जल पनबिजली पर आग बढ़ाए हुए हैं, जबकि भारत हमेशा से नेपाल की मदद करता है और नेपाल के बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचता, लेकिन नेपाल को फिर भी ऐसा लगता है। तो ये चीज आपको समझनी थी। अब बात करते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में मुद्दे। तो पहले सहमति वाले मुद्दों पे बात कर लेते हैं। मुक्त व्यापार का समझौता हो रखा है भारत और श्रीलंका के बीच में, दोनों में आपस में व्यापार खूब होता है, मित्रता की कई सारी संधियां हो रखी है भारत और श्रीलंका के बीच में। श्रीलंका में सुनामी आई थी एक बार, बहुत नुकसान हुआ था, तो भारत ने तुरंत मदद कर दी थी श्रीलंका की, ये अच्छी बात है। श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी लेकिन हमने वापस बुला ली, तो ये भी सहमति वाली बात है। विवाद के मुद्दे करते हैं। तमिल लोग जो भारत के हैं श्रीलंका में बस गए, ये विवाद का मुद्दा है। तमिलों द्वारा अलग देश की मांग की जा रही है, तमिलों द्वारा वहां पे अलग देश की मांग की जा रही है, ये एक विवाद का मुद्दा है। लिट्टे का संघर्ष चलता है वहां पे, ये एक विवाद का मुद्दा है। 1987 में जब हमने अपनी सेना भेजी थी, हमने तो शांति सेना भेजी थी, लड़ाई झगड़ा हमारा उद्देश्य नहीं था, बट वहां पे लोगों को पसंद नहीं आया, तो ये भी एक विवाद का मुद्दा है। नेपाल कहता है कि सॉरी, श्रीलंका कहता है कि भारत जो है वो अंदरूनी दखलअंदाजी करने की कोशिश करता है श्रीलंका में, तो ये एक विवाद का मुद्दा है। अब बात कर लेते हैं भारत और भूटान के संबंध। भूटान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, यानी भारत और भूटान के संबंध जो है बहुत अच्छे हैं, ठीक है। भूटान ने अपनी जमीन का इस्तेमाल कभी भी भारत विरोधी तत्वों में नहीं होने दिया, यानी कि गलत कामों में कभी भी भूटान ने अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया। भारत जो है वो भूटान में पनबिजली प्रोजेक्ट में मदद कर रहा है। भूटान वैसे भी एक गरीब देश है, उसके पास संसाधन और पैसा बहुत कम है, तो ऐसे में भारत ने क्या किया, हमेशा से भूटान की मदद की है। इस देश के विकास में सबसे ज्यादा जो अनुदान है
या जो जो दान जाता है, जो पैसा जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा वो कौन देता है? भारत देता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपको समझना था, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। अब बात कर लेते हैं भारत के मालदीव के साथ संबंधित। हुआ क्या कि 1988 में श्रीलंका के कुछ, श्रीलंका से कुछ गुंडे, समझ लो आप, कि कुछ भाड़े के सैनिक जो थे वो मालदीव में चले गए, और इन्होंने क्या करा, मालदीव में हमला कर दिया। मालदीव ने भारत से मदद मांगी और भारत ने तुरंत मालदीव की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी, यानी कि भारत ने उसको तुरंत मदद दे दी। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास में, पर्यटन में, मत्स्य उद्योग में खूब मदद की है। मालदीव आप देखोगे वो एक द्वीप समूह है और बहुत ही खूबसूरत जगह है मालदीव, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको जो बता रहा हूं, आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे सार्क की। सार्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सार्क है, इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षेस। ये दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1985 में हुई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है पेपर में कि जो सार्क है कब बना, आप बोलोगे 1985 में, फिर आपसे पूछेंगे कि इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, तो ये काठमांडू नेपाल में है, यानी इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, काठमांडू नेपाल। सार्क का पूरा नाम जो है वो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका पूरा नाम क्या है, दक्षिण एशियाई सहयोग क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अब बात कर लेते हैं सार्क में कितने देश शामिल है। सार्क में पहले 7 देश शामिल थे, बट बाद में एक और देश जुड़ गया था तो 8 हो गए थे। 7 कौन से हैं? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, मालदीव है, भूटान है, लेकिन 8वां देश जो था वो 2007 में अफगानिस्तान जुड़ गया इसमें। तो अफगानिस्तान के आने से क्या हुआ, अफगानिस्तान जब आया तो 8 देश हो गए। अब बात कर लेते हैं कि आपने पढ़ा कि यूरोपीय संघ एक सफल था, आपने आसियान भी पढ़ा था एक चैप्टर में, आसियान भी एक सफल था, आसियान एक सफल संगठन है, यूरोपीय संघ एक सफल संगठन है, लेकिन ये सार्क है ये सफल क्यों नहीं रहा, सार्क क्यों असफल हो गया, क्या आपने ये पता है आपको? तो आपको ये बताते हैं क्यों। सार्क के असफल होने के पीछे 3-4 कारण है। सबसे पहला कि इसके सदस्य देश जो है इनके बीच में आपसी विवाद है। आपको पता है भारत और पाकिस्तान की तनातनी रहती है, ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तनातनी रहती है, भारत और बांग्लादेश के बीच में तनातनी हो जाती है, भारत की श्रीलंका से कभी कभी हो जाती है। तो ये जो लड़ाई झगड़ा तनातनी चलती है, ये विवाद का मुद्दा है, ये नहीं सुलझ पाता, पहला कारण तो ये है। दूसरा क्या है कि ये देश आपस में लड़ते रहते हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे की मदद करने की बजाय ये आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक ये कारण है। फिर क्या है, इनमें एकता नहीं है, आपस में कोई एकता नहीं है, एक दूसरे से चिढ़ते हैं, आपसी विवादों को बातचीत से सुलझाया नहीं जा सका। जैसे कि हमने पढ़ा था आसियान ने अपने आपसी विवादों को बातचीत से सुलझा लिया था, इसी तरीके से सार्क जो है अपनी विवादों को, अपनी बातों को आपस में नहीं सुलझा पाया। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं साफ्टा। साफ्टा क्या है आपको ये समझना है। साफ्टा जो है ये दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता है, यानी कि जो दक्षिण एशियाई देशों में इनके बीच में व्यापार के लिए एक समझौता हुआ था जिसको साफ्टा बोलते हैं, ठीक है, अग्रीमेंट ऑफ साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। ये लाया गया था 2002 में। साफ्टा कब लाया गया था आपको याद रखना है, 2002 में लाया गया था ये साफ्टा, ठीक है, और 2004 में इसको लागू कर दिया गया। कब लागू कर दिया गया, और सॉरी 2004 में इसमें हस्ताक्षर हो गए, सॉरी 2002 में तो लाया गया था, 2 साल बाद 2004 में इसमें साइन करवा दिए गए, और 2 साल बाद 2006 में, यानी कि 2006 से इसको लागू कर दिया गया, 1 जनवरी 2006 से इसको लागू कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य ये था कि जो ये दक्षिण एशिया के देश हैं इनके बीच में व्यापार जो है वो आसानी से हो पाए, और इनके बीच में जो सीमा शुल्क लगाया जाता है, जो टैक्स लगाया जाता है, वो 2007 तक कम कर दिया जाए, बहुत कम कर दिया जाए, जिससे कि आपस में खूब व्यापार कर पाए। लेकिन कुछ देश ऐसा मानते हैं, कुछ देश क्या मानते हैं आप समझिए इसे, कुछ देश ऐसा मानते हैं कि भारत जो है वो साफ्टा की ओट लेकर, यानी कि साफ्टा के नाम पर भारत जो है उनके बाजारों में सेंध मारना चाहता है, यानी बाजारों में उनके अपनी बढ़त बढ़ाना चाह रहा है भारत, ऐसा मानते हैं। भारत सोचता है कि साफ्टा से इस क्षेत्र को फायदा होगा, इन देशों का जब आपस में व्यापार होगा तो उनको फायदा होगा, लेकिन ये देश इसको कुछ और ही सोचते हैं, ठीक है। इन क्षेत्रों में मुक्त व्यापार बढ़ेगा तो राजनीतिक प्रभाव बढ़ेगा, दोस्ती होगी और एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। तो अब एक चीज आपको याद रखनी है कि हम तो भाई अच्छा सोचते हैं कि साफ्टा से अच्छी चीजें होंगी, लेकिन ये लोग इसको गलत तरीके से देखते हैं।
तो वैसे हमें साफ्टा को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है परेशान होने की? कारण इसके पीछे ये है कि भारत जो है पहले से ही भारत का कई देशों से समझौता है, जैसे कि भूटान से, श्रीलंका से, नेपाल से, इन देशों से हमारा पहले ही दो पक्षीय समझौता है, यानी इनसे तो हमारा ऑलरेडी व्यापार चल ही रहा है, तो क्या जरूरत है परेशान होने की। ठीक है, तो ये था। तो आज की इस वीडियो में, लगभग 30 मिनट की वीडियो में आपको कंप्लीट चैप्टर मैंने करा दिया है। चैप्टर नंबर 5 हमारा हो चुका है और जल्दी ही इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है MCQ क्वेश्चन वो भी आने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, और लास्ट ईयर भी हमने वीडियो बनाई है जिस वीडियो को देख के बच्चों के 99-100 तक मार्क्स आए हैं, तो हमारी आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, चाहे तो इसे भी देख सकते हैं। दोनों में कंटेंट एक जैसा ही है, बस फर्क ये है कि यहाँ पे एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर है, वहां पे एक चैप्टर को ज्यादा पार्ट में बना रखा है, जैसे 2 पार्ट 3 पार्ट, बस इतना ही फर्क है, बाकी क्वालिटी दोनों की अच्छी है। ठीक है।